शेक्सपियर के द्वारा जो भी नाटक लिखे गए हैं, किंग लियर से लेके तो मैकबेथ से लेके ओथेलो से लेके, सारे नाटकों का कंटेंट बहुत स्ट्रांग, कहानी बहुत अच्छी रहती है। शेक्सपियर ने अपनी खुद की स्टाइल एक निर्माण की थी उस समय में, जिस समय में वो नए थे। उस समय के जो बहुत बड़े लोग थे उनको परफॉर्मेंस के लिए कहा जाता था, तो काफ़ी बड़े लोग थे इसलिए वो जाते नहीं थे वहाँ पर काम करने के लिए। जो भी अवेलेबल था उस समय, जो भी जगह अवेलेबल थी उसका उपयोग करके शेक्सपियर ने नाटक किए। वहाँ पर जो भी था उस सारी चीज़ों का उपयोग करके वो अपना नाटक लिखते भी थे और परफॉर्मेंस भी करते थे। उस चीज़ का अनुभव हमको यहाँ पर देखने को मिला। यहाँ पर जो भी अवेलेबल है, ये कोई प्रोसिनियम थिएटर नहीं है, यहाँ पर जो भी जगह यहाँ पर अवेलेबल है उसका बहुत सही ढंग से उपयोग जो दिग्दर्शक है दोनों, उन्होंने बहुत शानदार ढंग से किया, इसलिए वो बधाई के पात्र हैं। उसी प्रकार से उसका हाउ पार्ट भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। व्हाट पार्ट तो नाटककार ने लिख लिया है, टेक्स्ट नाटककार ने लिख लिया है, लेकिन उसको हाउ टू प्रेजेंट इट, कैसे, ये कैसे में बड़ी उत्सुकता होती है। और यहाँ पर कमाल करते हैं एक्ट्रेस और यहाँ पर कमाल करते हैं निर्देशक। एक्ट्रेस भी कमाल करते हैं क्योंकि एक्टर को जो रोल दिया गया है उसको निभाने की वो कोशिश करते हैं। डायरेक्टर तो उसको एक बांध देता है, एक स्ट्रक्चर खड़ा करता है, लेकिन स्ट्रक्चर में रंग भरने का काम ही एक्टर करता है। तो यहाँ पर जितने भी एक्टर्स हैं उनको जो भी रोल मिला है वो उन्होंने बहुत शानदार ढंग से किया है, समझ के किया है ऐसा लग रहा है। कहीं भी ऐसा लगा ही नहीं नाटक देखते समय कि ये सीन यहाँ पर नहीं होना, या इस प्रकार से जो भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है यहाँ पर नहीं होना, अनवांटेड कुछ भी नहीं लगा। और हम दर्शक जो नाटक सामने से देख रहे थे, हम इसमें इतने घुल मिल गए कि हमको यहाँ पर कहीं भी आर्टिफिशियलिटी लगी नहीं, कृत्रिम कुछ भी नहीं लगा, सारा नेचुरल लगा। तो नाटक तो होता है, नाटक में डायलॉग्स भी होते हैं, नाटक में हमको काम भी करना पड़ता है, नाटक में समझकर भी हम काम करते हैं, लेकिन उसके बावजूद नेचुरैलिटी मेंटेन करना बहुत कठिन होता है। यहाँ पर वो बात हमको देखने को मिली है। एक तो जो भी अवेलेबल उसमें काम करना, अपना नेचुरल जो भी है यहाँ पर कहीं भी ऐसा दिखाने की डायरेक्टर ने एक्टिंग करके बताई है और उन्होंने काम किया है। यहाँ पर एक्टर ने स्वयं उनको जो भी आता है जितना भी वो जानते हैं और उनको लाने की उन्होंने कोशिश की, इसलिए कोई भी हमको यहाँ पर परफॉर्मेंस करते हुए कोई भी एक्टर हमको आर्टिफिशियल नहीं लगा, बहुत नेचुरल लगा, बहुत अच्छा लगा। ये भी करवा लेना निर्देशक का काम होता है, इसलिए यहाँ पर जो भी दोनों निर्देशक है, नए ढंग के निर्देशक है, इनकी अपनी एक सोच है नाटक के बारे में, इनकी इनकी कलाओं के बारे में अपनी एक सोच है, परफॉर्मेंस के बारे में अपनी सोच है, और नए हैं, और नए हैं इसलिए नया कुछ लाने की वो कोशिश करते हैं, ये कर सकते हैं क्योंकि इनके बहुत क्रिएटिव ब्रेन्स है। जो भी नया, क्योंकि ये नाटक यहाँ पर करना, इसके बारे में सोचना, यही बहुत बड़ी बात है। और मैं सबसे धन्यवाद डॉक्टर संयुक्ता मैडम को देना चाहूँगा कि उन्होंने यहाँ पर एक करके बताया, उन्होंने इनको सबको इकट्ठा किया, उन्होंने एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया इनको। इसके लिए भी बहुत बड़ी ताकत लगती है, बहुत बड़ी इच्छा लगती है, और कहीं तो भी एक अपना ब्रेन भी रहता है जो काम करता है। जब हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऐसा हो तो यहाँ पे तो बहुत कुछ हो सकता है। हेड ऑफ द डिपार्टमेंट यदि करना चाहता है तो बहुत कुछ कर सकता है। ये जो भी यहाँ पर जो इतना बड़ा स्टेज दिख रहा है, इतना बड़ा और इतनी जो पूरी जगह का जो इस्तेमाल किया है, इस्तेमाल करने की परमिशन भी देना पड़ता है जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ने दिए। ऐसे ही सिलसिला इसके बाद में भी शुरू रहेगा, इस बात पर मुझे बहुत विश्वास है। धन्यवाद।